मुरलीभद्र काली माता की जय। स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला में श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन, शोभा यात्रा और हमारे परम विद्वान श्री कृष्ण पौराणिक जी द्वारा कथा चालू हो चुकी है, जिसमें आप सभी पवित्र जनों की ऊर्जा, साथ ही ऐसे लोग जो अपने जीवन काल में कथा भागवत सुनने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन उनके पास में कहीं ना कहीं धन की कमी होने के कारण वे सब काम कर नहीं पाते, उन ऐसे परिवारों के लिए भी इस कथा को हम समर्पित करते हैं। हमारी स्वर्ग आश्रम जो समिति है उसके द्वारा आप सभी को यह देवी भागवत कार्यक्रम समर्पित है। किसी भी तरह से आपको किसी भी अर्थ का कहीं कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है, इसमें आप सिर्फ आकर के अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार यहाँ पर समय दीजिए, कथा का लाभ लीजिए। आज हमारी मातृ शक्तियों की पूजन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, उनके सम्मान में कमी आ रही है, इसलिए हमने श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन आश्रम में रखा हुआ है। उपस्थित जनों से, आप सभी से निवेदन है कि अपनी ऊर्जा को यहाँ लगाएँ और यहाँ की ऊर्जा को अपने ऊपर कहीं ना कहीं स्वीकार करें। जय माँ भद्रकाली, धरती माता की जय, भारत माता की जय, भद्रकाली माता की जय। आप सभी को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला में श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक के रूप में श्री कृष्ण पौराणिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो देवी कथा मर्मज्ञ हैं और वो आपको रोज 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आपको कथा का रसास्वादन कराएंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं आज देवियों की जो पूजा है उसकी महत्ता कम होते जा रही है जो लोगों के मस्तिष्क में, तो देवियों का पूजन हो, समाज की स्त्रियों का मान सम्मान बढ़े। और एक हमारे पूजा स्थल के स्थान पर जो कोरोना निवारण के लिए भी हम लोग अनुष्ठान करेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार, योजना अनुसार पहुंचकर इस धर्म दर्शन का लाभ उठाएं और कथा का रसास्वादन करें। बोलिए धरती माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारा लोक मंगल ही परम लक्ष्य है, राष्ट्र रक्षा, विश्व कल्याण के लिए समर्पित हमारा ये आश्रम, हमारा ये आश्रम परिवार। बोले भद्रकाली माता की जय, अटकल माता की जय, केरल वाली माता की जय। हमको इस संसार को बसाना भी है तो कैसे बसाएगा? मार्कंडेय जी ने विचार किया कि सारे संसार में जलमग्न हो गया, अब मैं कहां जाऊं? किसने ऐसा किया तो जल के अंदर तलाशने लगा, या फिर प्रलय कैसे? तो जाकर के देखा तो एक वृक्ष है, काहे का बट वृक्ष। उस वृक्ष पर उनने कुछ देखा, क्या देखा? करार बिंदे ने पदार बिंदे, करार बिंदे ने पदार बिंदे और मुखार बिंदे बिनवेशयंतम। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ करके चूस रहा है बिनवेशयंतम, और बटस्य पत्रस्य पुटे सयानम, और बैठा कहाँ है? बरा के एक पत्ते पर। बोलिए, चिड़िया बैठ जाए तो झुक जाता है, लेकिन एक बरा के पत्ते पर। बटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मन सास्मरामी। वो कौन है? बाल मुकुंद भगवान। जब मार्कंड